हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर 2 का पार्ट 4 देखने वाले हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। देख लेते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। ये मैक्रो एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। इस टॉपिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, गवर्नमेंट, लीगल एंड पॉलिटिकल। एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज से है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं किसी भी बिजनेस के काम करने के लिए। ठीक है, अगर आप इंडिया में काम काज कर रहे हैं तो इंडिया में जो भी सरकार चल रही है उस सरकार ने जो भी काम काज करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं, नियम कानून बनाए हैं, उसका पालन हमें करना पड़ेगा जब तक हम इस कंट्री में काम कर रहे हैं। तो किसी भी बिजनेस के लिए ये जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है वो ज़्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस डालती हैं, काफ़ी हद तक कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। अगर पॉजिटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, आपके बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाने वाली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनी हैं, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गवर्नमेंट ये कह देती है कि कोई एक पर्टिकुलर बैकवर्ड एरिया है जिसके डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि अगर आप इस एरिया में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे 6 सालों तक कोई भी टैक्स नहीं लेगी, तो ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप करने के लिए टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया, टैक्स रिलीफ दे दिया, तो यहाँ पर ये हो जाती है गवर्नमेंट की पॉलिसी। इसी तरीके से अब जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ का एस्टैब्लिशमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। और इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया, एक पॉलिसी बनाई है जिसका नाम था मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया से वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज़ को इंडिया में इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, आप यहाँ पर प्रोडक्शन कीजिए, फ़ायदा इसमें इंडिया का ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे अगर फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती हैं तो इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, दैट मीन्स जीडीपी बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे वो जो बाहर की कंपनीज आती हैं तो दे ऑब्वियसली ब्रिंग देयर टेक्नोलॉजी, तो हमें उनके टेक्नोलॉजिकल फ़ायदे भी मिल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सब कुछ सोच के अपनी एक पॉलिसी तैयार करी। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने SEZ का, जो कि है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स वो लोग लेकर आए हैं कि जिनसे हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। क्योंकि एक्सपोर्ट से क्या फ़ायदा होता है, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आती है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो इन सभी कुछ भी गवर्नमेंट का इंटेंशन होता है उसको फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी एज अ बिज़नेस हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, तो उसको कॉन्स्टेंटली हमें देखना है, एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल माने जो कानून बने हुए हैं। अगेन, कोई भी बिज़नेस चाहता है कि वो जहाँ पे भी काम कर रहा है, जिस भी कंट्री में आप स्टैब्लिश कर रहे हो अपना बिज़नेस, वहाँ पे साउंड लीगल सिस्टम हो। दैट मींस लॉ एकदम अच्छे से बने हुए हो और लॉ के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे कामकाज हो। अब अगर आप एक बिज़नेस यूनिट हैं तो आपको उस जगह के लॉ की, कानून की काफ़ी अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपको काम तो कानून के दायरे के अंदर रहकर ही करना है। अगर आपसे लॉ, आपने उल्लंघन कर दिया लॉ का, आपने कोई लॉ के प्रोविजंस का पालन नहीं किया, तो ये आपके लिए काफ़ी भारी मुसीबत लेके आ सकता है। आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं, केस चल सकता है, आपका रेपुटेशन लॉस हो सकता है। तो अगेन, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। लॉ का उल्लंघन करके आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था ये लॉ है। तो अगेन, आप भारी मुसीबत से अगर बचना चाहते हैं तो आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ के प्रॉपर लॉ का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स हमें लिखे हुए हैं कि जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है, तो एज अ बिजनेसमैन आपको इसकी अच्छी खासी समझ होनी चाहिए कि कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट हैं और जिन राइट्स का हमें पालन करना है। कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग हमारे पास कॉम्पिटिशन एक्ट है, जिसमें मोनोपोली नहीं क्रिएट करनी है, कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देनी है, और उस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ के ऊपर फैक्ट्रीज़ एक्ट लग जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लग जाता है। ठीक है, अगर आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं, दैट मींस आपका इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं, आप विदेश के साथ डील कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ के साथ आप डील करते हैं, तो आपके ऊपर फेमा एक्ट भी लग सकता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
आपके फैक्ट्री में जो लेबर काम करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी कई सारे लॉ बने हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड अदर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लॉ हो जाते हैं जिसकी हमें समझ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रिसेंटली आपको पता है इन 2017 GST लॉ भी आया जिसने कई सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे कंट्री में पहले थे, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स और इस तरीके के कई जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको हटा करके एक टैक्स हमारी कंट्री में अभी आया है जो कि है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वन नेशन वन लॉ, वन टैक्सेशन सिस्टम, तो इस तरीके के बात के साथ इसे लॉन्च किया गया था। और अब क्योंकि ये न्यू टैक्स लॉ आया है ये भी बिज़नेस को इम्पैक्ट करता है, तो अब जितने भी बिज़नेस इंडिया में काम कर रहे हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इस लॉ को समझें और इसके दायरे के अंदर रह करके काम करें। लास्ट यहाँ पे आ जाता है पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं कि ऐसे संस्थाएं होती हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जो बिज़नेस के ऊपर काफ़ी प्रेशर डालते हैं। बिज़नेस को ऊपर प्रेशर किस बात का डालते हैं कि भैया आप ढंग से काम कीजिए। ठीक है, अगर बिज़नेस से कहीं पे भी कोई भी चूक होती है तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो बिज़नेस के खिलाफ मोर्चा भी निकाल सकते हैं और बिज़नेस के ऊपर कई केसेस कर सकते हैं, बिज़नेस की रेपुटेशन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचा सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल इन प्रेशर ग्रुप्स में कौन कौन आते हैं, तो NGOs हो जाती हैं कि जो बहुत सारी NGOs हैं जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनी होती हैं, लेबर यूनियंस होते हैं, ट्रेड यूनियंस जो अपने लेबर के, जो भी आपकी फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई होती हैं। कई इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ये देखती हैं कि बिज़नेस जो काम कर रहा है वो एन्वायरमेंट को पोल्यूट तो नहीं कर रहा, अगर आप पोल्यूट कर रहे होगे तो अगेन ऐसी NGOs आपको फोर्स करेंगी कि भाई आप ऐसा मत करो, नहीं तो देल लाइक टेक अ केस ऑन यू। ठीक है, वो आपके ऊपर केस ठोक सकते हैं। तो उस तरीके से मैं एग्जांपल के दौर पे आपको बताऊं तो रियल लाइफ केस ही है, पेप्सी के ऊपर एक NGO थी जिसका नाम था सेंटर फॉर साइंस एंड एक्सेलेंस। पेप्सी एक काफ़ी जो नोन कंपनी है, एक वैल्यूएबल ब्रांड है, उसके ऊपर इस NGO ने केस किया था कि भाई पेप्सी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर्स के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं, कीटनाशक हैं, और इसे कंज्यूम करके किसी भी कस्टमर को कैंसर तक जैसी बीमारी हो सकती है। तो अगेन ये पूरा केस चला था, पेप्सी को प्रूव करना पड़ा था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे प्रोडक्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई थी। तो आप देख सकते हो ऐसे जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो आपके बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन जो भी NGOs हैं, ये जितने भी पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स हैं, आप उनके ऊपर अटेंशन दीजिए, आप कस्टमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपसे चूक होती है तो ये आपके खिलाफ मूवमेंट है, मतलब कि मोर्चा निकाल देते हैं। ये स्पोरैडिक का मतलब है कि ऐसे कोई कंटिन्यूस बेस पे नहीं बल्कि कभी कभार हो जाते हैं ना, जो चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं, कंटिन्यूस बेस पे नहीं, भाई आपसे जब गलती होगी तब ये मोर्चा निकालेंगे, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस एज सच, तो वो हो जाता है स्पोरैडिक। तो ये हमने यहाँ पे तीन पॉइंट्स देखे, गवर्नमेंट, दैट मीन्स गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है वो हमें इम्पैक्ट करते हैं, जो लीगल जो भी कानून बने हैं जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं वो हमें इम्पैक्ट करता है, पॉलिटिकल प्रेशर जो NGOs होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं और जो अदर ग्रुप्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के और कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और उनके जो भी एक्शंस हैं वो भी हमें कई ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, तो हमें उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, अब ये तो किसी भी बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आप जिस भी सोसाइटी में काम कर रहे हो, जहाँ पर भी आपने अपना बिज़नेस स्टैब्लिश किया है, वहाँ पर सोसाइटी के क्या वैल्यूज़ हैं, किन बातों कि उनकी क्या मान्यताएं हैं, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, सोसाइटी में जो है वो कितना लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है और कितना आपस में जो है वो मिलजुल के रहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करनी पड़ेंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस ऑन इन द सोशो कल्चरल एनवायरमेंट। तो मेन चीज़ें क्या हैं, पहले हमें समझना है कि जिस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे सोसाइटी के कंसर्न्स क्या हैं, वो बिज़नेस से एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या मानते हैं कि एक सोसाइटी में बिज़नेस का रोल क्या है। जैसे कि आजकल आपको पता है कि सोसाइटी क्या चाहती है बिज़नेस से, कि आप एनवायरमेंट पोल्यूशन ना करो, काम करते हुए आप एनवायरमेंट को बिल्कुल भी डैमेज ना करो, एनवायरमेंट रिसोर्सेज को आप बेहद एक्सप्लॉइट मत करो, करप्शन ना करो,
आप कंज्यूमरिज्म को प्रोटेक्ट करो. कंज्यूमरिज्म दैट मींस आप कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करो, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम मत करो, कस्टमर के राइट के बारे में भी सोचो, उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचो. नेक्स्ट आपको देखना है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो सोसाइटी है उसके कस्टम्स क्या रहे हैं. ठीक है, कस्टम्स माने कि उनकी जो प्रथाएं होती है ना, प्रथा क्या रही है हमेशा से. जैसे यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्थ साइड पे, वेस्ट साइड पे दिवाली के टाइम पे दिवाली पूजा करने की प्रथा है, तो आप वो दिन हमारे लिए काफ़ी ऑस्पिशियस डे होता है, फेस्टिवल है हमारा, सबसे बड़ा फेस्टिवल है. तो वहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप वहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आप दिवाली के दिन फिर वर्कर को आपको छुट्टी देनी ही पड़ेगी, बिकॉज वो हमारी प्रथा में आता है कि हम दिवाली के दिन पूजा एंड फेस्टिवल की तरह उसे सेलिब्रेट करते हैं. उनके जहाँ पे आप हो वहाँ पे बिलीफ सिस्टम क्या चल रहा है, मान्यताएं क्या हैं वहाँ पे लोगों की, ठीक है, उनके लाइफस्टाइल पैटर्न क्या है, वो जीने का अंदाज़ क्या है उनका, और कितने मटेरियलिस्टिक हैं वहाँ के लोग. नाउ मटेरियलिस्टिक होने का क्या मतलब होता है कि जीने के लिए उनको कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो अगर आप गांव में देखो तो गांव में जो लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको इतने ज़्यादा साधन नहीं चाहिए होते जीने के लिए, वो कम से कम चीज़ों में सर्वाइव कर लेते हैं. आप इसे कंपेयर कीजिए सिटी लाइफ से, तो आज हमारी लाइफ में हमें जीने के लिए तो मल्टीपल चीज़ें चाहिए. हमें थोड़ी गर्मी लगी तो एसी हमें चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो कितनी सारी चीज़ें हमें चाहिए. तो सिटी लाइफ में जो लोग रहते हैं वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए टू स्पेंड अ डे इन देयर लाइफ. और यही एक बेसिकली अपॉर्चुनिटी हो जाती है बिजनेस के लिए. ठीक है, सिटी में जो है वो ज़्यादा सेल हो पाती है ऐसी चीज़ों की. फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, जिस भी सोसाइटी में आप काम कर रहे हो वहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर फैमिली है कि ज्वाइंट फैमिली है. आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज बहुत छोटी होती जा रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम चल पड़ा है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अब इतना नहीं है. इवन जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ है दे आर वर्किंग. तो अब ऐसी सिचुएशन में बिजनेस के लिए एक बेसिकली अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जा रही है, बिकॉज अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम ही कर रहे हैं तो उनके पास घर के काम करने का इतना टाइम नहीं रहता है. तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, वॉशिंग मशीन की, माइक्रोवेव की, जहाँ पे कुछ ही समय में काम हो जाए. देन रेडी टू ईट फूड, दो मिनट में जो खाना बन जाए, ठीक है, वैसे खाने की डिमांड यहाँ पे चल पड़ी है. बच्चे कौन संभालेगा अगर दोनों कामकाज करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे किंडर गार्डन्स की डिमांड चल पड़ी है. तो फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो भी बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. देन वुमेन का रोल क्या है किसी सोसाइटी में, बच्चों का रोल क्या है, अगर वुमेन का रोल अगर ज़्यादा है किसी सोसाइटी में, तो आप देखोगे कि एडवर्टीजमेंट्स में वुमेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. जैसे आप इंडिया में एडवर्टीजमेंट देखो कोलगेट वगैरह की, तो वहाँ पे आप देखोगे कि माँ का विश्वास है, या अगर आप डेटॉल की एडवर्टीजमेंट देखो तो वहाँ पे माँ ने डेटॉल का धुला. तो ये बेसिकली आप थोड़ा सोचो कि एडवर्टीजमेंट में इतना वुमेन को फोकस क्यों दे रहे हैं, बिकॉज अब इंडिया में वुमेन का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है. वुमेन एजुकेटेड हो रही हैं और फैमिली में परचेज डिसीशन अब वुमेन ले रही हैं कि घर में कौन सा सामान आएगा, कौन सी ब्रांड का आएगा. इसीलिए अब एडवर्टीजमेंट में जो है वो वुमेन को सेंटर पॉइंट की तरह दिखाते हैं कि ये फीमेल्स जो बाकी फीमेल्स हैं वो ये प्रोडक्ट ले रही हैं. इस तरीके से फीमेल को सेंटर पॉइंट बना दिया गया है. अब हर सोसाइटी में ऐसा नहीं होगा, जहाँ पे फीमेल्स का इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है वहाँ पे ऐसी एडवर्टीजमेंट वो लोग नहीं दिखाएंगे. एजुकेशनल लेवल क्या है, आप जहाँ पे हो वहाँ पे लोग कितने एजुकेटेड हैं, वो अपने राइट्स को लेकर के कितने अवेयर हैं. आप जिस सोसाइटी में अगर वहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिमांड करेंगे, वो कोई भी प्रोडक्ट को आँख बंद करके लेने वाले नहीं हैं. इस जगह पे अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको कस्टमर को कन्विंस करने के लिए उन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, काफ़ी उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, एंड देन ही देन वो चॉइस करेंगे. तो वो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं उठाते, काफ़ी ज़्यादा इवैल्यूएशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, एंड देन दे अल्टीमेटली डिसाइड कि उन्हें क्या परचेज करना है. तो एजुकेटेड पीपल जो होते हैं वो रैशनल डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो ये पूरा हमें समझना है. मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी कि एक एक को थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो हमारा एनवायरनमेंट है उसने तो हम सबकी लाइफ को इम्पैक्ट किया ही है ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो अगेन मैं आपको अभी बताऊं क्या कि हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, अगेन ये किसके वजह से कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ना, इंटरनेट के थ्रू हम लोग, आप दुनिया के किस कोने में हो, मैं कहाँ हूँ, और अगेन स्टिल मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप स्टूडेंट्स बन रहे हो, ठीक है. तो बिल्कुल ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी की वजह से.
तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है कि आज ह्यूमंस ने बिकॉज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी तो हम चांद तक पहुँच गए हैं, स्पेसशिप्स की बातें हो रही हैं, अब दुनिया के आप किसी भी कोने में कुछ घंटों में ही पहुँच सकते हो बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ने जैसे एक आम इंसान की ज़िंदगी को तो इम्पैक्ट डाला ही है, उसने बिजनेस के वर्किंग पे भी तो कितना इम्पैक्ट डाला होगा। तो ये आंसर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये हमें समझना है यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी एक बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी का भी काम करता है और थ्रेट का भी काम करता है। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? एनवायरमेंट में कुछ ऐसा हो जाए जिनसे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर टेक्नोलॉजी के आने से आपको फ़ायदा होगा, न्यू टेक्नोलॉजी के आने से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ये आपके लिए हो गई अपॉर्चुनिटी, और अगर आप इस टेक्नोलॉजी के आने से आपको नुकसान हो रहा है तो ये हो जाता है आपके लिए थ्रेट। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं तो जब गूगल एंड्रॉयड आया था तब सैमसंग ने इसे ना अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, उन्होंने तुरंत एंड्रॉयड सिस्टम को अपने प्रोडक्ट में इन्वॉल्व कर दिया, उसको अपना सॉफ्टवेयर बना दिया। देन जैसे ही ये ऐसा सैमसंग ने किया था उनकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये क्यों हो पाया? बिकॉज सैमसंग ने जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसे अडाप्ट कर लिया। तो अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आई है उसे अडाप्ट कर पाते हो तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात हो जाएगी, आपको इससे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, इग्नोर कर रहे हो, जैसे कि नोकिया ने किया, इवन आफ्टर एंड्रॉयड नोकिया अपना वही कीपैड फ़ोन सिम्बियन टेक्नोलॉजी पे बनाता रहा, मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई थी उसने इग्नोर किया। कुछ कंपनीज के पास तो इतना पैसा ही नहीं होता और इतने स्किल्ड लोग ही नहीं होते कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अपना भी पाएँ, अडाप्ट कर भी पाएँ। ऐसी सिचुएशन में क्योंकि आप अडाप्ट नहीं करते और टेक्नोलॉजी बदल चुकी होती है, यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए हो जाती है थ्रेट, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बदलने की वजह से आपको बदलना पड़ेगा वरना आप पीछे रह जाओगे, आपका बिजनेस लॉस करेगा। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी भी है, टेक्नोलॉजी थ्रेट भी है। अगर आपने बदलती टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर लिया, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, नहीं कर पाए थ्रेट हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आंसर ये पढ़ना है कि टेक्नोलॉजी और बिजनेस इंटर रिलेटेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। कहने का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये कैसे? देखो, टेक्नोलॉजी के ऊपर बिजनेस डिपेंडेंट है ये तो हमें पता है, टेक्नोलॉजी बदलती है तो बिजनेस को अपने कामकाज करने के ढंग को बदलना पड़ता ही है। अभी हमने नोकिया के एग्जांपल से देखा, भाई टेक्नोलॉजी बदल गई, आप नहीं बदलोगे आप पीछे रह जाओगे, इसीलिए वही कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बदलती है तो बिजनेस को बदलना पड़ता है, दैट्स वाई बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन बिजनेस, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी लाता कौन है? भाई कोई तो बिजनेस होगा ना जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चे किए होंगे, जिसने इतना रिस्क लिया होगा, जिसने अपना ह्यूमन पावर लगाया होगा, पैसा लगाया होगा और इस न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया। तो टेक्नोलॉजी का तो अस्तित्व ही बिजनेस में छुपा हुआ है। अगर कोई बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे ही ना तो न्यू टेक्नोलॉजी का तो जन्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का अस्तित्व ही बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये बिल्कुल टू वे चल रहा है, बिजनेस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इस आंसर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में हमें बताया है कि अब टेक्नोलॉजी के आने से क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पेपर वर्क काफ़ी कम हो गया है ना, कितने सारे जो पहले फॉर्म्स थे, इवन इनकम टैक्स की कि मैं अगर आपको बात करूं तो इनकम टैक्स पे करने के लिए हमें कुछ फॉर्म जमा करने पड़ते हैं। तो पहले वो फॉर्म्स तो थे वो बिल्कुल फिजिकल फॉर्म्स थे, पेपर फॉर्म थे। अब तो टैक्सेशन के फॉर्म आप बिल्कुल ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो। इवन ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कोई भी पेपर इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनेट के थ्रू आप पढ़ रहे हो, डिजिटल पढ़ाई हो रही है। ठीक है, अगेन आप पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो विद इंटरनेट, आपने अगर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेसिंग किया हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए कैश को यूज़ करना ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल डिजिटल कैश का यूज़ हो जाता है, डायरेक्ट आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो। आपको अगर स्टॉक की इन्फॉर्मेशन रखनी है, ठीक है, कि आपकी फैक्ट्री में कितना स्टॉक पड़ा है, पिछले साल कितना था, और पूरा स्टॉक कैलकुलेशन करना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो अगेन ये सब करने के लिए अब आपको कोई अकाउंट्स, फिजिकल अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ते। ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जैसे कि टैली एक सॉफ्टवेयर है एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं हमारे पास, जिसके थ्रू आप लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या कोई और डेटा को आप लोग बिल्कुल कैलकुलेट और इवैल्यूएट कर सकते हो, रख सकते हो डेटा को, किसकी मदद से? तो सॉफ्टवेयर की मदद से, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बिल्कुल चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे को काम करने में अब समय काफ़ी कम लगता है, गलतियाँ काफ़ी कम होती हैं।
तो ये सब कुछ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इतनी ही चीज़ें हमारे लिए इसमें से इम्पॉर्टेंट थी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट हमें पता है, जब से इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि इंडिया में अब बाहर की कंपनीज आकर के इन्वेस्टमेंट कर पा रही हैं, यहाँ पे अपने प्लांट्स लगा पा रही हैं, और जो भी फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। तो आप अगर इंडिया में रहने वाले बंदे हैं, लेकिन आप फिर भी फॉरेन ब्रांड्स को देखो, अपने आजू बाजू देख सकते हो। मल्टीपल ऐसे प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं जो इंडियन ब्रांड्स नहीं हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल है, मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, तो मल्टीपल ऐसी ब्रांड्स हैं, ठीक है, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आपको पता है कि इतने सारे प्रोडक्ट और ये सब बिल्कुल ग्लोबल ब्रांड्स हैं, ठीक है। अब इस वजह से, ये पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से क्या हुआ है कि दुनिया अब सिमट करके ग्लोबल विलेज के जैसी हो गई है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए बंदे से हम लोग बिल्कुल इजीली बातचीत कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी सॉफ्टवेयर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही दुनिया जैसे सिमट के रह गई है, बाउंड्रीज का कुछ खास अब इम्पोर्टेंस रहा नहीं है। तो अब इन सब का एक बिज़नेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें वो समझना है। बिकॉज ऑफ ग्लोबल चेंजेस, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब बिज़नेस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहली चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है कि बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बदल गया है, कॉम्पिटिशन करने का अंदाज़ बदल गया है। पहले जो भी इंडियन कंपनी थी उसे सिर्फ अपना डोमेस्टिक या लोकल कॉम्पिटिशन ही दिखाई देता था। अगर मैं इंडिया की कंपनी हूँ तो मेरा कॉम्पिटिशन इंडिया के बाउंड्री के अंदर अंदर, ऐसा पहले हुआ करता था, पर अब ऐसा नहीं है। अगर आप एक इंडियन कंपनी हो तो आपको जापनीज़ कंपनी के साथ भी कंपटीशन करना है जिनकी टेक्नोलॉजी आपको पता है नंबर वन है। आपको चाइनीज़ कंपनी के साथ भी कंपटीशन करना है जो बिल्कुल लो कॉस्ट पे बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपको और फॉरेन कंपनीज़ के साथ कंपीट करना है जिनकी रेपुटेशन शायद बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब कंट्रीज़ के बीच में इंटरडिपेंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे इंडिया जो है कई सारे अपने ज़रूरत की चीज़ें, रॉ मटेरियल्स जो है वो बाहर की कंट्रीज़ से मंगवाता है। सिमिलरली इंडिया भी कई सारा एक्सपोर्ट बाहर की कंट्रीज़ को करता है। कोरोना वायरस के इस दौर में आप देख पाओगे कि आपने अगर न्यूज़ में थोड़ा बहुत ट्रैक किया हो तो यूएसए ने इंडिया से जो एक मेडिसिन HCQ हाइड्रोक्लोरोक्वीन ये इंडिया से मंगवाई हैं कि आप प्लीज़ हमें ये एक्सपोर्ट कीजिए। तो देखो, जहाँ पे कोरोना वायरस जो है वो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है फॉर द एंटायर वर्ल्ड, पर आप देखो ना, यूएसए ने इतना बड़ा ऑर्डर इंडिया को दिया तो यहाँ की जो फार्मा कंपनी है, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है, ये उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी साबित हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब जब एनवायरनमेंट चेंज, अगर किसी भी कंट्री में कुछ भी होता है तो वो जो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हम पर भी पड़ रहा है। चाइना में कोरोना वायरस जब हुआ तो इंडिया के कितनी सारी कंपनीज जो हैं वो चाइना से रॉ मटेरियल्स मंगवाती हैं। तो अब अगर वहाँ कुछ गलत होता है तो यहाँ की कंट्रीज़ को भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर चाइना में कुछ होता है तो यहाँ की जो कंपनीज़ को रॉ मटेरियल अब कैसे मिलेगा, ये उनके लिए एक दिक्कत की बात हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पोटेंशियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल कुछ भी इवेंट होता है तो उसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो अब इंडिया में होने वाले इवेंट तो हमें इम्पैक्ट करते ही हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया होने वाले इवेंट भी हमें इम्पैक्ट करते हैं कॉन्स्टेंटली। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कॉन्स्टेंटली चेक करती रहती हैं कि अब कौन सा नया मार्केट है, कौन सी न्यू कंट्री है कि जो डेवलप हो रही है और जहाँ पे जा करके हमें अपनी फैक्ट्री लगानी चाहिए। आपको पता होगा कि बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं आउट ऑफ इंडिया की, उनके लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं उनकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, उनकी डिमांड राइज़ हो रही है, इसीलिए बाहर की कंपनीज इंडिया को एक हॉटस्पॉट मानती हैं, एक इमर्जिंग मार्केट मानती है, और यहाँ पे आकर के अपनी फैक्ट्रीज लगा रही हैं। क्योंकि इंडिया आपको पता है बहुत पहले से फॉरेनर्स की नज़र में रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, और अब तक भी आप देख लो तो इंडिया सोने की चिड़िया के बराबर है उनके लिए, कमाई का एक जरिया है उनके लिए, ठीक है। तो ये वो कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं कि अभी हमें चेक करते रहना पड़ता है कि कौन सा नया मार्केट है जो ओपन हो रहा है और कहाँ पे जाकर के हम अपनी फैक्ट्रीज़ को स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जितनी भी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनका कल्चर अलग है, उनका इंस्टीट्यूशनल सेटअप अलग है,
इसीलिए ऐसा आप नहीं कर सकते कि जिस तरीके से आप इंडिया में काम कर रहे हो उसी तरीके से आप जा करके जापान में काम करो। तो ये बिल्कुल डिफरेंट कल्चर हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। तो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपको अभी आप जिस भी कंट्री में जाओगे आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि उन कंट्री का कल्चर क्या है, सेटअप क्या है, एंड देन ओनली यू कैन गो एंड एस्टैब्लिश योर प्रोडक्ट ओवर देयर। ठीक है, आपको मैं बताऊँ तो KFC भी एक इंटरनेशनल बाहर की कंपनी है जो इंडिया में आकर के उन्होंने अपने प्रोडक्ट पहले बेचना स्टार्ट किया। तो इंडिया बेसिकली एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 80% पॉपुलेशन तो आपकी हिंदू की है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट किया था किसके खिलाफ, KFC के खिलाफ, क्योंकि वो लोग इंडियन कल्चर को समझ नहीं पाए थे। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया था उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक इंडियन कल्चर को इग्नोर करके लॉन्च किया था। इंडिया इतना तैयार नहीं था, इंडियन वैल्यूज़ परमिट नहीं कर रही थी KFC जैसे प्रोडक्ट को खुले में बेचने के लिए। ठीक है, KFC आपको पता होगा कि वो फ्राइड चिकन्स एंड मीट वगैरह भी सर्व करते हैं। तो जिस भी कंट्री में आप जाओगे पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसका कल्चरल सेटअप, इंस्टीट्यूशनल सेटअप एक बार चेक कर लें, क्योंकि हर कंट्री का ये सेटअप थोड़ा अलग होता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, इस पैराग्राफ में बिल्कुल वही लिखा हुआ है कि अब ग्लोबलाइजेशन आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन? तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले एक इंडियन कंपनी के एंगल से हम सोचें तो उनका मार्केट पहले सिर्फ इंडियन मार्केट ही था, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते थे इंडिया के सभी स्टेट्स में। पर अब बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन मार्केट एक्सपांड हो गया है, आप अपने प्रोडक्ट को अब जा करके डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में बेच सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो मार्केट है वो एक्सपांड हो रहा है, आप एक्स्ट्रा सेल सकते हो बाय गोइंग इनटू अदर कंट्रीज। उसी तरीके से उन्हीं कंपनीज के लिए ग्लोबलाइजेशन डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जैसे आप दूसरी कंट्रीज में जा करके अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो, वैसे बाहर की कंपनीज भी तो इंडिया में आकर के आपको टफ कंपटीशन दे सकती हैं। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है और ये आपके लिए एक थ्रेट की तरह है। ठीक है, तो वही बात लिखी गई है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इट कैन बी अपॉर्चुनिटी एंड इट कैन बी थ्रेट। नेक्स्ट जो हमारा आंसर है वो है हमारा पेस्टल एनालिसिस। एंड पेस्टल एनालिसिस ये आंसर आपको खुद से ही पढ़ना है, बिकॉज ये जो सारे पॉइंट हैं, देखो ये पेस्टल बेसिकली एक्रोनिम है ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एंड इन्वायरमेंटल एनवायरमेंट। तो ये सभी हमने पहले देख लिया है, बस इसमें एनवायरमेंट ये जो टॉपिक है वो डिफरेंट है, ये हमने नहीं पढ़ा है। ये नेचुरल एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि नेचुरल एनवायरमेंट भी हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इन आर वर्किंग। अगर सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है किसी भी बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हमें बस ये नेचुरल ये एनवायरमेंट को हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देख ले रहे हैं, बाकी सारे एनवायरमेंट तो हमने पढ़ ही लिए हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे ये एनवायरनमेंट लिख लेते। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट करते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है ये MCQ के लिए। कौन सी इंडस्ट्रीज़ को स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं? तो टूरिज्म है, फार्मिंग है और इंश्योरेंस है। तो ऐसा क्यों है? देखो टूरिज्म को तो इम्पैक्ट करता है एनवायरमेंटल फैक्टर बिल्कुल ही, कि अगर किसी एरिया में रिसेंटली कोई अर्थक्वेक आया है या कोई प्रॉब्लम हुई है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर टूरिज़्म जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। फार्मिंग को इम्पैक्ट करता है, नेचर इम्पैक्ट करता है, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या बहुत कम बारिश होती है तो ये फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को तो इम्पैक्ट करता ही है। इंश्योरेंस सेक्टर को अब बिकॉज नेचुरल कलामिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो अब इंश्योरेंस जो है वो बिकने लगे हैं जो हमें इन कुदरती आपदाओं से बचा सके। ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी सब बिकती हैं कि अगर मान लो कि किसी वजह से आपके अर्थक्वेक की वजह से या किसी वजह से जो है आपके बिजनेस को अगर नुकसान होता है तो फिर आप उसको इसका इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। ठीक है, अब हर इन्वायरमेंटल नेचुरल कलामिटी का आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। ठीक है, ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब आपको पता है एक मुद्दा जो क्लाइमेट चेंज का हम काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात हम सुन रहे हैं, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि अब कंपनीज को जो है वो प्रोडक्शन करते समय एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट को पल्यूट नहीं करना है, बिकॉज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी और दुनिया बिल्कुल 70% वाटर तो अभी है ही और उस पूरा पानी ही पानी में समा जाएगा। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं कि बिकॉज ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहे हैं तो जो हमारा वेदर कंडीशंस है वो क्लाइमेट कंडीशंस है जो काफ़ी हद तक बदल रही हैं। हम खुद भी ये तो महसूस कर रहे हैं ना
कि एक ही महीने में आपको बारिश भी दिख रही है, आपको गर्मी भी हो रही है, और एक उसी महीने में आपको सर्दी भी लग रही है. तो कितना कितना ड्रास्टिक चेंज हमें दिखाई दे रहा है इन वेदर पैटर्न, इवन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो ये सारी बातें हैं वो किसी भी बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं. तो हमारी यहाँ पे ड्यूटी बनती है एज अ बिजनेस कि हम एनवायरनमेंट को पल्यूट ना करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए चलें, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो बिजनेस आप कर ही नहीं पाओगे. सोचो, अगर आपने लालच में सारे पानी को, सारे शुद्ध पानी को खराब करके पल्यूट कर दिया, आपने सारे पेड़ों को काट दिया लालच में, तो जब पेड़ नहीं रहेंगे, जब पानी नहीं रहेगा, जब सारी हवा प्रदूषित हो जाएगी, तो जिएंगे ही नहीं, तो बिजनेस कैसे करेंगे? तो ये हमें ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए. तो दिस एनवायरमेंटल फैक्टर आप देख सकते हो पीस्टल मैट्रिक्स यहाँ पे. ये मैं बोलूँगी कि आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमें इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में. मान लीजिए इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वो कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है? तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है ना. इन्फ्लेशन माने महंगाई का बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है बेरोजगारी, तो ये कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है? इस तरीके से आ सकता है. उसी तरीके से लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है? तो लाइफस्टाइल तो भाई आपके लोगों की होती है, पीपल की होती है जो सोसाइटी में रहते हैं, तो ये सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया. ये देखो मीडिया व्यूज़ एंड परसेप्शन, ठीक है, तो जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं या जो जिस तरीके की मूवीज़ बनाई जा रही हैं, तो वो किस तरीके की मूवीज़ बन रही हैं और किस तरीके का व्यू पॉइंट प्रेजेंट करती हैं, तो वो भी कहाँ पे. अब आपको पता है ना कि जिस तरीके की सोसाइटी का माहौल होता है उसी तरीके की आपको मूवीज़ दिखाई देती हैं, राइट. जैसे अगर करप्शन सोसाइटी में बहुत है तो आपको नायक जैसी मूवीज़ के थ्रू दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है. तो ये अगेन मीडिया व्यूज़ एंड परसेप्शन वो सोसाइटी का पार्ट है. कहने का मतलब है आपको ये सब कुछ एक एक बार रीड करना है, इसके ऊपर MCQ डेफिनेटली बनते हैं. कोई डाउट हो तो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हो. देख लेते हैं हमारा लास्ट आंसर जो कि है स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट. अब देखो क्या होता है कि आपको पता है कि बिजनेस और एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है. बिजनेस बदलता है तो एनवायरनमेंट में भी कुछ सारे चेंजेस आते हैं, और एनवायरनमेंट के चेंज होने से भी बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं. ये हमने पहले देख रखा है एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस में, ठीक है. कई बार बिजनेस इतना पावरफुल होता है कि वो एनवायरनमेंट में चेंजेस लेके आता है, और कई बार एनवायरनमेंट इतना पावरफुल होता है कि अगर एनवायरनमेंट बदलेगा तो बिजनेस को तो बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा. अब बिजनेस की क्या ड्यूटी बनती है कि वो एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली एनालाइज करे, चेक करे, और उसमें आने वाले अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाए, आने वाले थ्रेट से खुद को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रैटेजीज बनाए, प्रोटेक्ट करने की तैयारियां कर ले. अब जब एनवायरनमेंट बदलता है तो बिजनेस को ये देखना पड़ता है कि हाउ विल दे डील विद द एनवायरनमेंट, वो क्या कर सकते हैं बदलते एनवायरनमेंट के साथ, वो क्या करेंगे जब एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे तीन टाइप की बिजनेसेस हो सकते हैं. कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो काफ़ी काफ़ी अच्छी अच्छे तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को डील कर लेते हैं. कई ऐसे होते हैं कि जिन्हें इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता एनवायरनमेंट में चेंज आया हो उससे. तो इस तरीके से हम यहाँ पे तीन जो हैं वो देखने वाले हैं अप्रोचेस. पहला जो हम यहाँ पे अप्रोच देख रहे हो हैं वो है हमारा ये अप्रोच जो कि है प्रोसीड विद कॉशन. प्रोसीड विद कॉशन को हम पहले देख रहे हैं. देखो प्रोसीड विद कॉशन बेसिकली एक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स है टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो एक अच्छी कंपनीज होती हैं वो प्रोसीड विद कॉशन का यूज़ करती हैं. करना क्या होता है उसमें कि ये ऐसी कंपनीज हैं जो कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट को मॉनिटर करती रहती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली चेक करती रहती हैं, और ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती हैं कि एनवायरनमेंट में फ्यूचर में क्या चेंज आने वाला है, ठीक है. और चेंज आए उससे पहले ही वो अपने लिए प्लानिंग कर लेती हैं कि जब वो चेंज आएगा तो उससे पहले भाई उससे पहले ही वो लोग तैयारी कर लेती हैं जब वो चेंज आएगा तो ये उससे आसानी से निपट पाएँ. ऐसी बिजनेस मानते हैं कि जो एनवायरनमेंट में चेंज है वो तो आता ही रहेगा, चेंज तो परमानेंट है. एंड एज अ बिजनेस हमारी ड्यूटी बनती है कि चेंज आए उससे पहले ही हम लोग तैयारी कर लें. तो ये जो स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं उसे हम लोग प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं. वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो भाई चेंज आए उससे पहले तुम तैयारी कर लो, ठीक है. बीमारी हो उससे पहले तुम अपने दवाई ढूंढ लो, ठीक है. उस तरीके का इनका पूरा प्लानिंग रहता है. तो ये चेंज आने से पहले ही तैयारी हो जाती है इनकी. चेंज के बारे में इन्हें कैसे पता चलता है कि चेंज आने वाला है? ये एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली स्टडी करते रहते हैं, ठीक है, और चेंज आए उससे पहले ये लोग तैयारी कर लेते हैं.
लीस्ट रेजिस्टेंस टाइप की बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिन्हें एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस के बारे में ये ज़्यादा नहीं सोचते, ये प्रोसीड विद कॉशन जैसी कंपनीज होती हैं, वो क्या कर रही होती है, कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट को चेक करती रहती हैं और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती हैं। पर लीस्ट रेजिस्टेंस वाली कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं, वो बिल्कुल पैसिव इन देयर बिहेवियर होती हैं। वो ऐसे एफर्ट नहीं डालते कि चलो हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेते हैं, ट्राई करते हैं देखने की कि क्या चेंज आने वाला है, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं करती। बल्कि जब एनवायरनमेंट में चेंज आ जाता है उसके बाद ये बैठ के सोचते हैं कि अच्छा अब ये चेंज आ गया तो अब हम क्या करें, अब हम कैसे निपटें, ठीक है। तो ये करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, एक बार बीमारी हो गई और फिर ये इलाज करते हैं, बीमारी ना हो उसकी तैयारी नहीं करते ये लोग, ठीक है। तो ये इस टाइप की कंपनी होती है जो एनवायरनमेंट में एक बार चेंज आ जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसके बाद ये डिसाइड करती हैं कि अब हम क्या करें जब ये चेंज आ ही गया है। तो ये काफ़ी सिंपल पाथ पे चल रही होती हैं, इन्हें इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है फ्यूचर का, ये बहुत एम्बिशियस नहीं होती है कि भाई हम सबसे पहले एनवायरनमेंट में आने वाली अपॉर्चुनिटी को ले लें, थ्रेट से अपने आप को बचा लें, ग्रो करें, ऐसे कुछ इनके खास एम्बिशंस नहीं होते। ये बस जितना है उनके पास उनसे ही कंटेंट होके जी रहे होते हैं, बहुत सेटिस्फाइंग कंपनीज होती हैं, इन्हें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, जितना मिल रहा है बिजनेस में उनसे ये लोग खुश होते हैं, ठीक है। ये इस टाइप की कंपनी है, और ऐसी कंपनीज लंबे समय तक फिर टिक नहीं सकती जिसने एनवायरनमेंट को अडाप्ट ही नहीं किया, ठीक है। डायनेमिक रिस्पांस वाली कंपनी बिल्कुल हायर लेवल पे काम कर रही है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ये मानती हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को तो हम बदल सकते हैं। ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ऐसे समझती हैं कि हम एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट करेंगे लेकिन एनवायरनमेंट को भी हम बदल सकते हैं। तो ये ऐसा मानती है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको हम पार्टली मैनेज कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं बाय अवर एक्शंस, ठीक है। तो इतने पावरफुल होते हैं कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, ये इनमें इतनी ताकत होती है कि आने वाले थ्रेट को ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉन्फिडेंट होती हैं, काफ़ी कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने अपनी स्किल्स के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास होता है कि ये बेसिकली एनवायरनमेंट में चेंज लेकर आती हैं। ये चेंज को एडाप्ट नहीं करती बल्कि चेंज लेकर आती हैं, ये चेंज मेकर्स होती हैं, ये एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हाई लेवल पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इस आंसर को एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रही हूँ। तो लीस्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, चेंज आने के बाद करेक्टिव एक्शंस लेती हैं। भाई ये हो चुका है, जैसे BSNL ले लो ना, इन्होंने एग्जांपल दिया BSNL का, जब जियो 4G लेकर आया उसके बाद कई टाइम के बाद जब इन्होंने देखा अभी तो हमारा मार्केट शेयर बिल्कुल ख़त्म होने आया है, चलो अब हम 4G लेके आ जाते हैं। तो इस टाइप का इनका बिहेवियर रहता है, बहुत 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 कहते हैं ना, पानी जब सर के ऊपर चला जाता है तब जाके ये कुछ एक्शंस लेती हैं एनवायरनमेंट को अडाप्ट करने में। पर ऐसा करते रहेंगे तो आप बिल्कुल पीछे रह जाओगे। तो BSNL को भी आप देख रहे हो कि हैवी लॉसेस में है इस वक्त। प्रोसीड विद कॉशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो आने वाले चेंज को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेती हैं और पहले से तैयारी कर लेती हैं। ये मानती हैं कि चेंज तो आने ही वाला है तो हम कॉन्स्टेंटली चेंज क्या आने वाला है ये स्टडी कर लेते हैं और चेंज आए उससे पहले हम तैयारी कर लेते हैं। डायनेमिक रिस्पॉन्स वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो तो बेसिकली ऐसा मानती है कि चेंज जो आने वाला है वो तो हम ही लेकर आएंगे, हम मैनेज करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस को, एक्सटर्नल फोर्सेस को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये चेंज मेकर्स होती हैं, ठीक है, ये थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो इस तरीके का जो है ये आंसर था। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।